दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ मोहन सिंह बिष्ट वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, ये बात साफ तौर पे देखने में आ रही है। आम तौर पे लोग इस चीज की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा यही है कि उत्तर प्रदेश में सारे प्रशासन पे एक खास समाज का जमावड़ा है। योगी आदित्यनाथ उर्फ मोहन सिंह बिष्ट ठाकुर समुदाय से आते हैं और ठाकुरों का वर्चस्व प्रशासन के अंदर देखा जा सकता है। और इससे गंभीर बात यह है, ब्राह्मणों को और दलितों को लगातार अत्याचार उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के राज में झेलना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना सबसे बड़ा अपराध हो गया है। हर दूसरे दिन मरने वाला आदमी मिश्रा है, दुबे है, पांडे है, शर्मा है, वाजपेयी है। कल की ऐसी घटना है जिसको देख के आप दहल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े 3 बार विधायक रहे नरेंद्र मिश्रा, 73 वर्ष के थे। दिन दहाड़े पुलिस के सामने उनकी लाठियों से पीट पीट के हत्या कर दी गई। उनके पुत्र का एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। एक बार दिखाइएगा। बार बार उसको जुड़ नहीं आते थे तो हमारे गांव के लोग विरोध करते थे। आज संजय को फिर ये लोग आ गए, सीओ साहब हैं पुत्र के, उनसे ये सेटिंग करके गिरों से मरवा दिया मेरे से। मेरे बाप मेरा सेल था, इन गिरों ने चाचा मेरे सेल को मरवा दिया, मेरे बाप ने बाप को मरवा दिया। इसके बाद चाचा पापा हमारा बाप खेत मार दिया उन्होंने। मैं पापा को पलिया ले गया, पलिया से भी वापस नहीं आया था। जो लोगों ने पापा को मारा, गांव के लोगों ने पकड़ लिया, घर पे लगे कुकरे की साहब आके और मेरी मदर को मारा, मेरी पत्नी को मारा, उन लोगों को लेकर साथ चले गए। अभी तो उसको हटाया है जी, एक दूसरी भी है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक, 3 बार के विधायक नरेंद्र मिश्रा के पुत्र हैं। क्या है मामला, क्या है उत्तर प्रदेश में? अब आप देखिए कि इस हद तक उत्तर प्रदेश के अंदर हालात खराब हैं। 3 बार विधायक रहे नरेंद्र मिश्रा,
उनका एक जमीन का विवाद था, अदालत में केस था, पुलिस की मौजूदगी के अंदर उनको लाठियों से पीट के मारा गया, नंबर एक। जिन लोगों ने पीटा, जो लोग अपराधी थे, उनको कुछ गांव वालों ने पकड़ के जब बंद किया तो पुलिस के वहीं के सीओ कुलदीप कुकरेती वो खुद अपराधियों को छुड़ाने के लिए इनके घर आए, इनकी माँ को और इनकी पत्नी को पीट पीट के अपराधियों को छुड़ा के ले गए। ये हालात उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के हैं, कल के हैं, जहां पे कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ सुशासन चला रहे हैं। और मृतक के परिवार वालों से मिलने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी जब लखीमपुर खीरी गए और वहां से आ रहे थे तो उनको रास्ते में पुलिस ने रोका। एएसपी एएन सिंह ने संजय सिंह जी को अटरिया सीतापुर के गेस्ट हाउस में डिटेन किया, बिना किसी कारण, बिना किसी वारंट, बिना किसी नोटिस के उनको कई घंटे वहां पे डिटेन रखा गया। और वो संजय सिंह, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना डराया गया है लोगों को कि कोई आवाज तक उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो सिर्फ संजय सिंह एक ऐसे आदमी है जो खुद ठाकुर समाज से आते हैं और इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज को छोड़ के बाकी समाजों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। उन संजय सिंह को टेररिज करने के लिए, उनकी जुबान बंद करने के लिए, उनके ऊपर अलग अलग थानों में अब तक 13 जगह मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और कल उनको सीतापुर अटारी गेस्ट हाउस में 3 घंटे डिटेन किया एएसपी ने, सिर्फ इसलिए कि यह दबाव बनाया जा सके कि संजय सिंह ब्राह्मणों और दलितों की आवाज उठाना बंद करें। तो मैं मोहन सिंह बिष्ट को यह बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इन गीदड़ भभकियों में आने वाली नहीं है और हम ये आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। मैं कुछ अखबारों को आज पलट रहा था तो द प्रिंट नाम की एक न्यूज पोर्टल के अंदर मैंने पढ़ा, 14 जुलाई 2020 का ये आर्टिकल था, उन्होंने उस दिन की एक खबर लिखी है कि पिछले 11 दिनों में 23 ब्राह्मणों की हत्या की गई है और उसमें कई ब्राह्मण समाज की एसोसिएशंस की तरफ से और द प्रिंट की तरफ से बात कही गई है कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं 2 सालों में कम से कम 500 ब्राह्मणों की हत्या की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और कई बड़े बड़े हत्याकांड हैं जिनके बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं, पूरे के पूरे अखबार उनसे भरे हुए हैं। हाल ही में कानपुर के अंदर प्रभात मिश्रा, 16 साल के नौजवान, कोई मुकदमा नहीं, हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट, पढ़ाई में अव्वल, उनको पुलिस ने एनकाउंटर करके कानपुर में मार दिया। आप सोचिए कि एक बच्चे का भी एनकाउंटर पुलिस वहां कर रही है। दूसरा, मुझे बताया गया कि एक खुशी दुबे हैं, 2 दिन पहले उनकी शादी हुई है, विवाह हुआ है और पुलिस ने अब तक उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और दर्जनों बड़े बड़े हत्याकांड मैं आपको बता सकता हूं जो पिछले साल में हुए और सब ब्राह्मण, दुबे, मिश्रा सब ब्राह्मण है। उनका अपराध यही है कि या वो ब्राह्मण है या वो दलित है। कृष्णपाल शर्मा हत्याकांड सहारनपुर, शामली अजय पाठक हत्याकांड भजन गायक, मेरठ मुकेश शर्मा हत्याकांड अधिवक्ता, प्रिंस कुमार शर्मा और हिमांशु हत्याकांड मेरठ, मुदित शर्मा हत्याकांड मेरठ, सौरभ मिश्रा हत्याकांड मैनपुरी, छात्रावास में छात्रा की हत्या मैनपुरी, सतीश शर्मा हत्याकांड आगरा, अमन मिश्रा की हत्या कन्नौज, राजेश प्रसाद पचौड़ी की हत्या इटावा, उनके साथ अन्य 4 लोगों की हत्या, जगजीश उदयनियाल, कुमुद
रजनी मुस्कान सब ब्राह्मण झांसी। रमेश मिश्रा पत्रकार की हत्या लखीमपुर ब्राह्मण। श्री राजेश पांडे और पुत्र की हत्या बस्ती। आदित्य नारायण तिवारी की हत्या बस्ती सीतापुर। राजेंद्र प्रसाद पांडे और पुत्र की हत्या सीतापुर। दूसरा अनुराग शर्मा की हत्या आनंद स्वरूप मिश्रा की हत्या गोरखपुर। सत्यप्रकाश शुक्ला की पुलिस हिरासत में हत्या अमेठी। प्रमोद मिश्रा की हत्या अमेठी। सुरेश पांडे की हत्या बलिया। शुभजीत दुबे की हत्या जौनपुर। प्रतापगढ़ में विवेक तिवारी की हत्या। प्रयागराज में विजय शंकर तिवारी की हत्या। संजय शुक्ला की हत्या। महेश दत्त तिवारी की हत्या। विमलेश पांडे और अन्य तीन की हत्या। लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या। शिशिर त्रिपाठी की हत्या। उन्नाव में शुभमणि त्रिपाठी पत्रकार की हत्या। पूरी की पूरी लिस्ट है। हर दूसरी हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर या तो किसी दलित भाई की होती है या किसी ब्राह्मण की होती है। ऐसा लगता है योगी राज के अंदर ठाकुरों को छोड़ के कोई सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद।